पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई और बेलगाम कीमतों के खिलाफ कल यानी 10 सितंबर को कांग्रेस के ज़ेर क़यादत 21 अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होकर भारत बंद का ऐलान किया था। अपोजिशन जमातों के इस भारत बंद के फैसले पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए BSP सरबरा मायावती ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए कांग्रेस और BJP दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। पेट्रोल एवं डीजल के लगातार बढ़ रही कीमतों के विरुद्ध कल भारत बंद के तहत जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो देश में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हमारी पार्टी वास्तव में या मुख्य तौर से BJP व कांग्रेस पार्टी को ही बराबर की जिम्मेवार मानकर चलती है, जिसकी पृष्ठभूमि व सच्चाई ये है कि वर्तमान BJP के नेतृत्व वाले केंद्र की NDA सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर सन 2014 को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के केवल 6 महीने के अंदर ही पेट्रोल की कीमत की तरह ही डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। और तब फिर उस समय अपने इस घोर गरीब मजदूर व किसान विरोधी फैसले को भी इन्होंने एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देश व दुनिया के सामने पेश किया था।